नमस्कार दोस्तों, भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक कई प्रसिद्ध और प्राचीन हनुमान मंदिर हैं। इन हनुमान मंदिरों की बेहद मान्यता है और इनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ हनुमान जी स्वयंभू प्रकट हुए हैं। वैसे भी हनुमान जी को कलयुग का अधिष्ठाता देव माना गया है, वह सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव है। यह भी कहा जाता है कि हनुमान जी कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वह इस धरती पर हमारे बीच शरीर मौजूद है। श्री राम की कृपा पाने के लिए हर मनुष्य को पहले हनुमान जी की शरण में जाना होता है और उनकी पूजा अर्चना करनी पड़ती है। कलयुग में सबसे ज्यादा साक्षात और जागृत देव अगर कोई है तो वह हनुमान जी हैं। उनके सामने किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। आइए जानते हैं देश के कुछ प्रसिद्ध हनुमान मंदिरों के बारे में, जहां की काफी मान्यता है और देश के कोने कोने से श्रद्धालु इन मंदिरों में हनुमान जी के दर्शन के लिए आते हैं। नंबर एक, बालाजी मंदिर, मेहंदीपुर, राजस्थान। राजस्थान के दौसा जिले के पास दो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ मेहंदीपुर है, यही बालाजी का मंदिर है। यहाँ चट्टान पर स्वयंभू हनुमान जी की आकृति उभर कर आई हुई थी। इस स्थान को हनुमान जी का सबसे जागृत स्थान माना जाता है और यहाँ देश के कोने कोने से श्रद्धालु हनुमान जी के दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर करीब 1000 वर्ष पुराना है। यहाँ पर हनुमान जी के साथ ही भैरव बाबा, प्रेतराज सरकार और कोतवाल कप्तान की पूजा होती है। इस मंदिर की सीमा में प्रवेश करने से पहले आपको खाने पीने की सभी चीजें बाहर रखनी होती है। नंबर दो, सालासर हनुमान मंदिर, सालासर, राजस्थान। सालासर हनुमान मंदिर भी राजस्थान में ही है। हनुमान जी का यह प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के चूरू जिले में है। यहाँ भी हनुमान जी की स्वयंभू प्रतिमा प्रकट हुई है। इस गांव का नाम सालासर है, जिस वजह से मंदिर का नाम सालासर बालाजी पड़ा। यह भारत का पहला ऐसा हनुमान मंदिर है जहाँ बाबा की प्रतिमा दाढ़ी व मूछ वाली है। यह एक किसान के खेत में मिली थी, जिसे सालासर में सोने के सिंहासन पर स्थापित किया गया है। नंबर तीन, हनुमान धारा, चित्रकूट। उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पास हनुमान धारा मंदिर है। यह मंदिर काफी प्रसिद्ध है और यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति के ठीक ऊपर दो कुंड हैं जो भरे रहते हैं, इसी वजह से इसे हनुमान धारा मंदिर कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान 11 साल चित्रकूट में बिताए थे और इस दौरान हनुमान जी प्रभु श्री राम की चरण सेवा में रहते थे। नंबर चार, हनुमान मंदिर, इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एकमात्र ऐसा हनुमान मंदिर है जहां हनुमान जी लेटे हुए हैं। इस मंदिर को लेटे हुए हनुमान मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर काफी प्राचीन है और यहां हनुमान जी की प्रतिमा लेटे हुए है, जिस वजह से इसका नाम भी लेटे हुए हनुमान मंदिर पड़ा। यह मूर्ति 20 फीट लंबी है। प्रयागराज के संगम स्थिति हनुमान जी को कई नामों से भी जाना जाता है। इन्हें बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, लेटे हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी कहा जाता है। यहां जमीन से नीचे हनुमान जी की मूर्ति लेटे हुए मुद्रा में है तथा हनुमान जी अपनी एक भुजा में अहिरावण और दूसरे भुजा में दूसरे राक्षस को पकड़े हुए हैं। कहते हैं कि ये एकमात्र मंदिर है जहां हनुमान जी लेटे हुए हैं। नंबर पाँच, हनुमानगढ़ी मंदिर, अयोध्या। अयोध्या में प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर है। इस मंदिर में दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर की स्थापना करीब 300 वर्ष पहले स्वामी अभयाराम दास जी ने की थी। वैसे भी अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मस्थली है, जिस वजह से भी इस हनुमान मंदिर की लोकप्रियता काफी बढ़ जाती है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि अयोध्या आने के पश्चात रामलला के दर्शन तब तक पूर्ण नहीं होते जब तक भक्त हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन न कर ले। यह सच है कि अयोध्या के प्रसिद्ध श्री राम मंदिर दर्शन करने के पूर्व भक्तगण पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में पुत्र हनुमान के चरण स्पर्श करने जाते हैं। इस मंदिर की यह अद्भुत परंपरा सदियों पुरानी है। दोस्तों, आज की यह खास जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो देर किस बात की, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद।